बहुत दुखद खबर है। कौन सी खबर है? माँ की जान चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। खबर पुरानी है लेकिन जो तस्वीर आ रही है ना, जो तस्वीर आ रही है बहुत दुखद है, बहुत दुखद। बताइए कितना मासूम बच्चा अनाथ हो गया है, कैसे? चलिए खबर बता देता हूं आपको। खबर क्या है? बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया है। जब से खबर सुना हूं और बच्चे के रोने बिलखने का वीडियो देखा हूं, बेचैन हूं, परेशान हूं। समझ रहे हैं आप? 20 दिन के अंदर अंदर पांच महिलाओं की मौत हो गई है। दमोह में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही वाली खबर है। लापरवाही हुई है तो खबर दिखाऊंगा, विस्तार से दिखाऊंगा। जानते हैं क्या हुआ है? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने 5 महिलाओं की जान ले ली है। सुन लीजिए, किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होती है कि लापरवाही में चली जाए। इलाज के नाम पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और विस्तार न्यूज में आपके अपने चैनल में खबर आएगी तो दिखाएंगे जरूर। बच्चे का दर्द, बच्चे का मर्म, बच्चे का रोना बिलखना, बच्चे का मां के लिए तड़पना क्या होता है, बहुत दुखद है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये तस्वीर देख लीजिए, दोनों बच्चे नवजात हैं और दोनों बच्चों की मां नहीं है। सिस्टम की लापरवाही ने इन बच्चों की मां को मार डाला है। मौत नहीं, एक तौर पर हत्या कहिए, हत्या। सोचिए ना, इन बच्चों को कुछ पता भी नहीं होगा इनके आसपास वाले लोग कौन हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं होगा। जब बड़े होंगे, थोड़ा होश आएगा तो पता चलेगा कि इनके लिए दुनिया में मां बस एक शब्द है, इनके लिए मां नाम का कोई रिश्ता नहीं है। बोलते हैं ना कि मां की ममता से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उस ममता को ये नवजात महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या होती है हमें मां, और क्या होती है मां की करुणा, इन चीजों को ये बच्चे सिर्फ कविता कहानियों में ही पढ़ पाएंगे। बहुत दुख हो रहा है ये खबर बताते हुए। जब स्कूल, कॉलेज और नौकरी के दौरान फॉर्म में बहुत जगह मां का नाम भरना होता है, इन बच्चों के लिए अब हर फॉर्म में मां का नाम वाला कॉलम हमेशा के लिए खाली हो चुका है, हमेशा के लिए खाली हो चुका है। लापरवाह सिस्टम में बच्चों के ही मां की ममता का आंचल छीना है। अब जब लापरवाही हुई है और इतनी बड़ी घटना हुई है तो फिर हम तो सवाल पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, दमोह जिला अस्पताल की तस्वीर है। बहुत चर्चा रहती है इस अस्पताल की, मनमानी एकदम से हद पार कर देती है। व्यवस्था का तो पूछे ही मत, इसको व्यवस्था नहीं अव्यवस्था कहिए। इसी अस्पताल ने 5 प्रसूता महिलाओं की जान ले ली है। इतनी घटिया व्यवस्था है कि लोग अस्पताल जाने से डरते हैं। जिन महिलाओं की मौत हुई है वो सभी डिलीवरी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। सभी महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, बच्चों की डिलीवरी तो हुई लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना था। एक एक करके 5 महिलाओं की मौत हो गई, 5 महिलाओं की जान चली गई। तारीख जान लीजिए, 4 जुलाई 2023, जिला अस्पताल के MCH वार्ड में 20 महिलाओं ने नवजात शिशुओं को जन्म दिया और तत्काल इन सभी महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया गया। जब महिलाओं का ऑपरेशन हुआ तो इन सब में एक जैसी शिकायत देखने को मिली। महिलाओं का यूरिन रुक रहा था, इन्फेक्शन फैल रहा था, किडनी फेल होने जैसी समस्या भी सामने आई, जिसके बाद एक एक करके 5 महिलाओं की मौत हो गई। 5 महिलाओं की। पहली मौत की खबर सामने बयाकन गांव से सामने आई। लक्ष्मी चौरसिया नाम की युवती जबलपुर कोर्ट में कार्यरत थी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनको सिजेरियन कराने के लिए कह दिया। जब ऑपरेशन हुआ तो फिर बच्चा तो स्वस्थ था लेकिन 5 घंटे के अंदर अंदर लक्ष्मी चौरसिया की मौत हो जाती। इसके बाद इसी तरह 4 और भी महिलाओं की मौत होती रही। दरअसल विस्तार न्यूज सिस्टम की लापरवाही की खबर गहराई से दिखाता है, तह तक जाकर सवाल पूछता है। घटना बहुत बड़ी थी तो अपने रिपोर्टर को पीड़ित लोगों के घर भेजा। लोगों की समस्या को आपके सामने रखना था। चश्मा पहने हुए जो प्रशासन चक्के वाली कुर्सी पर बैठा है उसका पर्दाफाश करना था। तस्वीर देख लीजिए, मृतका निशा परवीन के घर की तस्वीर है। डालिए तस्वीर, एक दादी अपने पोते को गोद में लेकर बैठी हुई है। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। घर में जब नया मेहमान आने वाला था तो बहुत खुशी थी। क्या कह रहे हैं निशा परवीन के पति, जरा ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। बीवी की बाथरूम रुक गई थी तो उन्हें इस बात पर जबलपुर रेफर कर दिया, पेट फूला लगा था। और जबलपुर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की नर्स ने हमारी बीबी के सामने कह दिया आपकी किडनी खराब हो चुकी है। पुरानी बिल्डिंग के बाद नई बिल्डिंग में पहुँचाई, वहाँ भी ऐसे ही जराशाई हुई। वहाँ के जो चपरासी थे वे बीबी ना पड़ते, वहाँ कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं थी। जबलपुर में भी ऐसा हुआ है और बीबी नापने वाली भी कार्यकर्ता थे, उनसे ना नाम लिख के बनता था ना कुछ लिख के नहीं बनता था, बस बीबी नापते थे। और 2 दिन बाद वहाँ की मशीन, बीपी की मशीन खराब हो चुकी थी नई बिल्डिंग में। वहाँ भी बहुत
जरा सा ही कोई सुनाई नहीं होती थी वहां बीबी। सुन लिए ना, नवजात बच्चे ने अपनी माँ को और एक पति ने अपनी पत्नी को खोया है। निशा को पहला बच्चा होने वाला था। अस्पताल में जब कहा गया कि ऑपरेशन होगा तो परिवार को थोड़ा दुख हुआ। बच्चे के जन्म के बाद परिवार के चेहरे पर खुशी तो दौड़ी, लेकिन जल्दी ही निशा की किडनी फेल हो गई। हालत बहुत गंभीर थी। गंभीर हालत में निशा को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां निशा का डायलिसिस होता रहा, लेकिन 18 दिन बाद निशा परवीन की भी मौत हो गई। तीसरी घटना हटा से सामने आई, जहां हुमा ने सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे को तो जन्म दिया और बच्चा स्वस्थ भी पैदा हुआ, लेकिन हुमा को अन्य महिलाओं की तरह संक्रमण और यूरिन में समस्या थी। उन्हें भी किडनी फेल होने की जानकारी दी गई। हमारे विस्तार न्यूज के संवाददाता हर्षिना कोरी के घर पहुंचे तो एक छोटी बच्ची पालना में नवजात बच्चे को झुला रही थी। बहुत भावुक तस्वीर है, देख लीजिए। मेरे बगल में जो मैं बोलता हूँ सब कुछ दिखाता हूँ। माँ की ममता को एक छोटी बच्ची कैसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं ना, स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। एक स्त्री की ममता, करुणा, प्यार का अंदाजा यही तस्वीर देख कर लगा लीजिए। माँ को भले ही लापरवाह प्रशासन ने छीन लिया हो, लेकिन छोटी बच्ची माँ की जरूरतों को पूरा कर रही है। इन तस्वीरों को छोड़ दूँ, इस मर्म को छोड़ दूँ और इस तरह के भयावह मंजर को छोड़ दूँ, हाँ हाँ, जिसके खेलने खाने के दिन है वो जिम्मेदारी संभाल रही, इस तस्वीर को कैसे छोड़ दूं और कैसे सिस्टम को बख्श दूं और कैसे मैं कह दूं कि नहीं, जो ऑपरेशन किया वो ठीक है, नहीं कहूंगा। छोटे बच्चे को दुलार रही है ये बच्ची, पालना में खिला रही है, सिस्टम ने मां को मार डाला है। क्या कह रहे हैं हर्षिता के पति, जरा ये भी सुनिए, सुनाइए। 3 जुलाई को रात में 10:20 पर घर से गए तो CSC पटेरा गए तो पटेरा में इंतजार किया कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, पर नॉर्मल नहीं हुई। पूरी रात पटेरा रुके रहे। फिर इसके बाद सुबह मॉर्निंग टाइम में उन्होंने हमारे लिए पटेरा भेज, दमोह भेज दिया। दमोह हम पूरे दिन रुके रहे, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर सीजर ऑपरेशन से मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, यानी कि 10/52 पे ऑपरेशन हुआ 4 जुलाई को। 5 जुलाई को मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया ICU में 8:30 बजे रात में। देखिए, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को, देखिए। अब इतनी बड़ी लापरवाही है तो हंगामा तो होगा। दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब, सुनाइए जरा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत ही दुखद है। मैंने जैसे ही एक या पहली या दूसरी मृत्यु हुई थी, उसी समय मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ जो सागर की हैं, उनको कहा था कि आप इमीडिएटली आइए और इमीडिएटली यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करिए। सभी जिम्मेदारों के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किए और मेरे हिसाब से आज या कल में वो पनिशमेंट ऑर्डर्स भी जारी हो जाएंगे, तो सभी को सख्त सजा मिलेगी इसमें और किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये खबर बस इसलिए दिखा रहा था कि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, और जब इस तरह की खबर दिखाई जाती है, लगातार हम सुबह से खबर दिखाते हैं, तो उसका असर भी होता है। CMHO हटा दिए गए हैं।